प्रदेश में नवगठित बरगवा और सरई टाउन को लंबे समय से नगर परिषद बनाने की मांग राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही थी। देवसर विधायक सुभाष वर्मा की पहल के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सरई और बरगवा को नगर परिषद का दर्जा दिया। घोषणा के 4 महीने के अंदर ही दोनों परिषदों के परिसीमन के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई। आज पर्चा भरने की अंतिम तारीख होने से उम्मीदवारों की भारी भीड़ है। पार्टी सैंबल का चुनाव है। दोनों परिषदों में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को लेकर काफी घमासान है। वहीं लोकल पार्टी और निर्दलीय भी पर्चा भरकर चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। भाजपा के देवसर विधायक सुभाष वर्मा दोनों सीटों पर अपने अध्यक्ष बनने का दावा कर रहे हैं। वहीं आपके वरिष्ठ नेता प्रेम अग्रवाल भी महापौर सीट जीतने के बाद नगर परिषद में अपनी जीत हासिल कर अध्यक्ष बनने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी पंचायत चुनाव में कब्जा करने के बाद जीत के प्रति काफी उत्साहित है। बहरहाल आगामी 27 सितंबर को मतदान होगा और 30 सितंबर को काउंटिंग होगी। उसके बाद ही राजनीतिक दलों के दावों की हकीकत सामने आएगी। सरई के चुनाव की प्रक्रिया जारी, आज लास्ट है। काफी कुछ लोगों में उत्साह है, पहली बार नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तो एक काफ़ी भीड़ देखी जा रही है क्या? अब देखिए, एक कारण ये रहा कि लोग, कुछ लोग तो मुहूर्त देखते हैं, कुछ लोग अपने पार्टी से सिंबल की आस लगाए हैं। आज जो भी उम्मीद पाई जा रही है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें से ज़्यादातर लोग अपने सिंबल के साथ आएंगे, और नहीं सिंबल के साथ आए तो अपना जो जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं फॉर्म में उनको ये भरवा दिया गया है, चॉइस एक दो तीन दिलवा दी गई है। जो भी अभ्यर्थी हमारा अपना सिंबल लेके चला आएगा उसको उस सिंबल पे लड़ा दिया जाएगा। रेस्ट आर जो चॉइस एक दो तीन दी गई हैं, अगर वो सिंबल नहीं लाने में अक्षम है तो उसको निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में लड़ाया जाएगा। जहाँ तक भीड़ का प्रश्न है तो आज चूँकि अंतिम दिन है, भीड़ होना स्वाभाविक है, और हम 3 बजे तक जो हमारा माननीय निर्वाचन आयोग का समय होता है फॉर्म जमा करने का, तो हम 3 बजने में 5 मिनट पहले उनको अनाउंस कर देंगे। जो व्यक्ति यहाँ पे 3 बजे तक अंदर आए उनको हम स्लिप बांट देंगे। लास्ट व्यक्ति को पहला सीरियल दे करके वहीं से क्लोज कर देंगे। चाहे ये प्रक्रिया देर तक चलेगी, हम आज सबका फॉर्म लेंगे और पोर्टल पर फिल करके सबको संतुष्ट करके उनके घर भेजेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। चूँकि आपके ही विधानसभा में दोनों नगर परिषद हैं तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी दबाव महसूस कर रहे हो। निश्चित, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित करूंगा। जिस तरह सिंगरौली को जिला बनाया और मैं क्षेत्र का विधायक बनते ही मैं क्षेत्र की सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि क्षेत्र को विकास में बढ़ाना। विकास के लिए हमने नगर परिषद की मांग की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सरल स्वभाव से उन्होंने कहा, सुभाष जी ने जो आप जो कह रहे हो मैं तत्काल करता हूँ। उन्होंने तत्कालीन नगर परिषद बनाकर आज क्षेत्र को विकास के बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका रही माननीय मुख्यमंत्री जी की। और हम जिस तरह बरगवा और सरई आज जो हम ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद और जिला पंचायत के गांव में घूम घूम कर अपने मांगों को रखते थे मगर उस स्तर पे काम नहीं हो पाते थे, आज जो नगर बाढ़ भाई हम नगर सीएमओ बैठेगा, आज नगर निगम के तरह नगर परिषद एक अधिकारी बैठेंगे, बहुत सरलता से काम होगा। इसलिए विकास के प्रति ये हमारा नगर परिषद बरगवा सरई बहुत। अभी क्या कुछ इन दोनों परिषदों में मुद्दे आ रहे हैं, आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ और लोगों की अपेक्षाएं हैं? देखिए, अभी तो नगर परिषद का जिस तरह आचार संहिता का हम चुनाव दृष्टि से हम अपने प्रत्याशी की चयन भूमिका में लगे हैं, और हमारे पास हर वार्ड में जो प्रत्याशियों की भूमिका है वो पहले सही परख लें, क्योंकि हमारा पार्टी संगठन सबसे सर्वोपरि होता है। हम संगठन आज संभवतः आज देर शाम तक हम सभी प्रत्याशी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दावा है कि वो अध्यक्ष हमारा ही होगा दोनों परिषदों में। देखिए, अपनी अपनी भूमिका सभी लोग निभाते हैं, अब कौन ये भूमिका निभा रहा कैसा है वो तो जनता तय करेगी। हम पार्टी ने जिस तरह मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने हमको नगर परिषद बनाया है, और जनता के प्रति ये भाव होना चाहिए कि नगर परिषद की भूमिका क्षेत्र की विकास की गति अगर बढ़ाने की भूमिका किसी ने दी है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी की। अभी माहौल में कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होने का आशा है। नहीं, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आम आदमी पार्टी की लहर है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जनहितैषी बहुत सारे काम जनता के लिए किए हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या अन्य जो भी पार्टियां हैं उनका एक उद्देश्य है जनता के ऊपर भारी भरकम हर तरह के
टैक्स ला दिए जाएँ, ये ला दिए जाएँ, वो ला दिया जाए, जनता उससे उभर ही नहीं पाती है। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, नई नगर परिषद है, जनता को यहाँ लाभ मिलेगा, यहाँ भविष्य में हाउस टैक्स की भी मार जनता को झेलनी पड़ सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी उससे निजात मिलेगा, पानी के टैक्स से निजात मिलेगा, नई नई सरकार। मुख्य मुद्दे क्या देखते हैं आपकी, पहली बार ये नगर परिषद का गठन हुआ है बड़गवां सरई में, तो किस हिसाब से आप देखते हैं, क्या कुछ आप लोग जा रहे हैं चुनाव मैदान में, तो क्या कुछ मुद्दे आ रहे हैं सामने? चुनाव में जा रहे हैं तो न तो रोड की यहाँ व्यवस्थाएं हैं कहीं, मतलब 5 ग्राम पंचायतें मिला के एक नगर परिषद बनाई गई है, तो रोड की व्यवस्था नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं आज भी, जो है कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ इतना बड़ा हिंडाल्को पावर प्लांट और एल्युमिनियम प्लांट है, और ये जो है बताते हैं सीएसआर के तहत हम 5-7 किलोमीटर बहुत विकास करेंगे आपके लिए, मेरे साथ गांव में पूरा घूमिए, जो है कहीं कोई विकास नहीं है, इनका पैसा कहां उपयोग होता है ये अभी तक जानकारी नहीं है, तो हमारी सरकार आएगी तो उसका सही उपयोग करवाया जाएगा क्षेत्र में।